पानीपत में लुटेरों का आतंक जारी है। शहर के मुख्य चौक लाल बत्ती चौक स्थित एक बैंक के बाहर अज्ञात लुटेरे ने 2 लाख रुपए एक व्यक्ति से लूटे और लुटेरा फरार हो गया। पुलिस को शिकायत देने के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। पानीपत के बांध गांव निवासी संदीप के साथ लूट हुई है। बिजली की दुकान पर काम करने वाले संदीप के दुकान के मालिक ने उसे पैसे निकलवाने के लिए बैंक भेजा था। पानीपत में आजकल लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे एक के बाद एक लूट को अंजाम दे रहे हैं और आराम से फरार भी हो रहे हैं। आज पानीपत के व्यस्त चौक लाल बत्ती चौक पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में बांध निवासी अपने दुकान मालिक के कहने पर बैंक से 2 लाख रुपए निकलवाने गया था। दोपहर के समय जब संदीप पैसे निकलवाकर बैंक से बाहर आया तो पीछे से 2 लुटेरों ने संदीप के सिर पर वार किया और पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। दुकान मालिक योगेश गोयल सूचना पाकर बैंक पहुंचे तथा उन्होंने पुलिस को सूचना दी। योगेश गोयल ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया और कहा कि आरोपियों की पकड़ करने की बजाय पुलिस उन्हें ही धमकाती है, ऐसे में जनता सुरक्षित कैसे रहेगी? नहीं टाइम ये जो लड़का है जिससे पैसे लिए कहाँ का था, कितने दिन से ये बांध का लड़का है, पिछले 3 साल से सर्विस कर रहा है दुकान का लड़का है। कैश का लेन देन बैंक से कभी बार निकलवाना तो वो निकलवा लेता है, लेकिन ऐसे कभी पहले घटना कोई हुई नहीं है। पहली बार ऐसी घटना हुई है कि उससे 2 लाख रुपए खोसे गए। अगर जो उसकी भी कोई मिली भगत है, कोई बात है, हम ये नहीं कह रहे कि वो बिल्कुल सही है या हम बिल्कुल, अगर जो उसकी भी कोई मिली भगत है तो हमें कोई रिजल्ट कोई पूछताछ कुछ है रिजल्ट कुछ तो बताए कि अभी हो क्या रहा है। हम यहाँ खड़े हैं, 2 पुलिस वाले थे, वो हमें हमारे साथ उल्टी सीधी बोल के वो भी चले गए। हम यहाँ हेल्पलेस खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जी जनता लापरवाह हुई है इसलिए काम हो गया। मैंने कहा जी जनता लापरवाह नहीं होगी, पुलिस और प्रशासन लापरवाह हो गया। वो कहता है जी हमारे आदमी के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आपने कहा कि 12:30 बजे की घटना है और 1:03 पे आपके 12:30 बजे वो मैं बता 12:30 बजे वो बैंक के अंदर था। अभी हमने बैंक वालों को बोला कि जी CCTV फुटेज हमें दे दो। उन्होंने कहा जी हमने सेव कर लिया है लेकिन पुलिस के अलावा हम किसी को नहीं दे सकते हैं। अब वो 12:30 की बात है कि 12:40 की बात है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कन्फर्म है कि हमारे पास उसका 12:03 पे फोन आया, 1:03 पे फोन आया कि ये घटना होगी। तो बाकी जो डिटेल है CCTV डिटेल है। अच्छा उस लड़के से भी हम ज्यादा बात नहीं कर पाए। यहाँ आने के बाद हमने जैसे CI पुलिस को फोन किया तुरंत उनकी गाड़ी आई, तुरंत वो संदीप को जो इसके साथ वारदात हुई उसको ले गए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें भी नहीं पता। उसके साथ भी जो हमारी जो 2-4 मिनट की बात हुई जिसके साथ वार होते ये हुई कि जी मेरे को पीछे से वार किया गया, मैं गिर गया और मेरे पिट्ठू बैग में से 2 लाख रुपए लेके कोई भाग गया। वो कहते हैं कि जी मेरे सामने अगर जो वो आ जाए तो मैं उनको पहचान भी लूंगा, क्योंकि वो उनके पीछे थोड़ी देर 2 आदमी बता रहे।